Welcome to TV 11 News. Major fire accident in a house. A fire accident occurred due to a short circuit in a fridge in a house in Rachakonda, Pahari Sharif area. Let's take a look at this report by our senior reporter Sheikh Javed. Early morning when the fridge made a noise, people gathered and saw that the fridge was on fire, upon which they tried to control the fire. After giving information to the police, Sibandi reached Chandrayaan Gutta fire station and brought the fire under control. The police were relieved to ascertain that there was no loss of life. The Pahari Sharif police have registered a case and are investigating further. If you haven't already, please follow TV 11 News Live by subscribing to us on YouTube, like and comment on this video, and follow TV 11 News Live on Facebook, Instagram and Twitter. क्या बोलो मामी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज बचा नहीं, पूरा चलेगा, कोई चीज नहीं बचा नहीं है घर में, पूरा चलेगा। सुबह वो 7:30 बजे 8 बजे का टाइम था, पूरे चारों के चारों थे, दो बच्चे सो रहे थे, मैं भी सो रही थी, दवा खा के रात को धन बोल के आवाज आई तो बाहर निकली, निकल के देख रही तो क्या पूरे बोर्ड में से फ्रिज में पूरी आंच लगी, तो चीखा मार के बच्चों को लेके, बच्ची को लेके बाहर निकल के आई, तो बच्ची को ऐसे उसके भाई के घर में छोड़ के फिर मैं निकल के आई। पूरा सामान क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम है, कोई चीज बची नहीं। अल्लाह का शुक्र है किसी को जान को उसका नहीं हुआ, भारी पीएस को लगता है। हाँ फोन करे बस आए पा बिचारे, पुलिस वाले भी आए, पानी वाले को बुला के उन्होंने भी आए। देखो मैं ये नहीं चाहती कि किसी की गलती नहीं है, ना पुलिस वालों की है ना पानी पाई क्रिकेट की, हमारी किस्मत की गलती है। बस ये चाहूंगी मैं कि कोई भी जितने घर है औरत बेटिया है उनको सो होकर, मेरे भी घर में बोलती बाहर भी बोलूंगी ये कि फिर कभी भी सोते होकर नीचे से गैस बंद करके सो, क्योंकि आज अल्लाह का ये मैं शुक्र अदा करती, मैं हमेशा बोलने से मेरे घर के नीचे की गैस बंद रहने की वजह से किसी के जान को उसका नहीं पहुंचा। कभी वो गैस खुली रहती थी तो कितनों के जान आ जाते थे नहीं मालूम है। इसी तरीके से सब जनों से यही गुजारिश है मेरी कि हर हिंदुस्तान में जितने माँ बहन आए गैस नीचे से 1 मिनट लगता बंद करके सो, अपने घर की अपने माँ बहनों की अपने बच्चों की अपने शोहर की जान हिफाजत में रहेंगी। बस भाई हमारा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का लास्ट हुआ, बच्ची की शादी के वास्ते पैसा रखे थे, पूरा पैसा जल गया, फ्रिज के तरफ से पूरा ब्लास्ट हुआ, उससे फ्रिज का कंप्रेसर फूटा, उससे पूरे घर में आंच लग के पूरा कपड़ा लास्ट हो गया। अब खाली बची एक सिर्फ दुकान नीचे की बची हमारी, पूरा घर का हद तक कपड़ा सामान आप लोग खुद जाके देखे, हम तो ऊपर गए नहीं, क्या बचा क्या नहीं बचा आप खुद मालूम है। बिल्कुल 4 जने थे, एक भाई हमारा दुकान खोलने नीचे आए थे, 3 जने सो रहे थे, अब नीचे से पट बोल के आवाज आई, ऊपर जाके देखे तो आंच लगी, लकड़ी वगैरह लेके बुझाने की कोशिश करे, पानी की नहीं डाले, बुझे नहीं आंच, आंच वो फैलते गए पूरे, करंट के तरफ से हुआ, लाइट के तरफ से, फ्रिज का जो कंडर है नहीं गड्ढा पीछे की टाकी, वो टाकी ब्लास्ट होने से पूरी आंच फैली, किसी ने हाथों को मार लगे, उनका हाथ को मार लगी, और एक छोटे भाई फछोटे विछोटे आए सोए, वो भागम दौरी में आंच बुझाने को मार लगी, सोए नुकसान तो बहुत हुआ, खाली दुकान बची वो भी थोड़ा मारी थे, बच्ची का शादी का जितना सामान था पूरा चले गया उसे, अब सामान तो लाके रखने थे, किराए का घर है हमारा, इसलिए क्या करे थे पैसा जमा, सुबह में 8:30 7:30 8 बजे के टाइम वहाँ से हो गए, वाल घर को भाग गया है, इसलिए हम लोग इधर आ गए सर।